तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं सब्लिमेशन प्रिंटर के बारे में। L805 और L130 दोनों प्रिंटर हैं हमारे पास। इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़र्क होता है, प्राइसिंग में क्यों फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रिंट क्वालिटी, प्रिंट जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जब हम इसको सब्लिमेशन करते हैं किसी भी फैब्रिक पर या मग पर, हम लोग इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसा प्रिंट आता है वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। जैसा कि साथियों आपको पता है, ये 6 इंक टैंक होता है, ये 4 इंक टैंक होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंट क्वालिटी होती है साथियों, इसकी प्रिंट क्वालिटी से क्लियरली बहुत अच्छी होती है। आप चेक कर सकते हैं, शायद अभी आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, मगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा कि कौन सा प्रिंट आपके लिए सही रहता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये L130 का प्रिंटर होता है, प्रिंट है, और ये आपका L805 का है। मैं आपको प्रिंट की क्वालिटी आपको दिखाऊंगा, मगर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो L805 का प्रिंट है वो बहुत ब्राइट निकला है, बहुत क्लियर निकला है। और अगर हम L130 की बात करें, प्रिंट में कोई फ़र्क नहीं है, मगर क्वालिटी की बात करें तो L805 इज़ बेटर देन L130। तो इन दोनों की प्रिंट क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उस समय इसकी क्वालिटी जो आती है वो बहुत अच्छी आती है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, टी शर्ट पर भी और मग पर भी। तो ये मैंने सेम प्रिंट निकाला है L130 से और L805 से, तो इन दोनों में भी आप ब्राइटनेस का पता शायद आपको नहीं चलेगा, मगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा एज ए फ़ोटो में डालकर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके प्राइसिंग में और क्या फ़र्क है कि ये इतना महंगा है, वो इतना सस्ता है। एक्चुअली क्या होता है साथियों, इसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। इसमें हम लोग CD भी प्रिंट कर सकते हैं, आई कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ट्रेस, ये पैनल दिए हुए हैं, तो इनमें हम लोग ID कार्ड और CD वगैरह हम लोग प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट इससे। वो कब कर सकते हैं, जब आप सब्लिमेशन प्रिंटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्लिमेशन होने के बाद ये किसी काम के नहीं होते हैं। आप किसी भी प्रिंटर को प्रिंट नहीं कर सकते, फोटो ग्लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी प्रिंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक से दो दिन बाद ख़राब हो जाता है। तो जो इन दोनों का फ़र्क है वो यही है सिर्फ, इसमें 6 इंक टैंक होती है, इसमें 4 इंक टैंक होती है, और नथिंग, और कुछ भी इन दोनों में फ़र्क नहीं है। मगर क्वालिटी का साथियों मैं बताऊँ, इंक की वजह से फेस जो क्वालिटी आती है, पिक जो क्वालिटी आती है, वो बहुत अच्छी होती है कंपैरिजन टू L130 के। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या क्वालिटी आती है। तो टी शर्ट का भी आपको दिखाऊंगा और मग का भी, दोनों का आपको दिखाता हूँ वीडियो के लास्ट तक। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग टी शर्ट पर किस तरीके से प्रिंट करते हैं, तो L130 और L805 का क्या फ़र्क आता है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी A4 साइज प्रिंट निकाल लें तो इसके ऊपर से ना इस तरीके से कटिंग कर लें, ठीक है। ये हमारा L130 का प्रिंट होगा। हमने कटिंग इसलिए किया, कई बार हेड कॉर्नर पे लग जाता है जिसका निशान हमारा टी शर्ट पर आता है, तो हमेशा ध्यान रखें ऊपर का जो कॉर्नर होगा वो आपको कट जरूर करना है। अब L130 का मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूँ, हम लोग टी शर्ट पे लगाएंगे इस तरीके से, आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है, आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी टी शर्ट कभी ख़राब नहीं होगी, प्रिंट कभी टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, और अब हमें क्या करना है, सिर्फ उठाएंगे और रखेंगे, अलाइनमेंट की आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको इसके ऊपर हमेशा टेफ्लॉन शीट यूज़ करनी है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको प्रेस, वो आप देख सकते हैं ये प्रिंट आया है, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। अब मैं आपको दिखाता हूँ L805 से जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो कैसा प्रिंट आता है। ये देखिए, हम लोग इसमें और ऐसे ही रख लेंगे, आइडिया से हमने ऊपर से कट कर दिया है, ठीक है। लगाएंगे ऐसे और प्रेस कर देंगे, वही सेम 60 सेकंड्स के लिए। तो हमारे 60 सेकंड्स हो चुके हैं, मशीन को कर देंगे बंद। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आया इसका प्रिंट। ये देखिए, अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी, ये आप देख सकते हैं, और L805 L130 का फ़र्क मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों। इसका जो फेस की क्वालिटी है ये है L805 की,
इसकी जो फेस क्वालिटी है साथियों वही आई है जो मुझे प्रिंट में चाहिए थी। ठीक है, ये आपकी L130 की क्वालिटी है, ये अलग आई है, ठीक है, और ये आई है अलग। अब मैं क्वालिटी की बात करूं तो कौन सी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, तो ये क्वालिटी इज़ बेटर देन इसके, समझ रहे हैं। ये डार्क हो गई है और ये वही क्वालिटी है जो कि आनी चाहिए। अब मैं सेम प्रोसेस आपको दिखाता हूँ मग के ऊपर, कि मग पर कैसी क्वालिटी आनी चाहिए। देखा साथियों आपने, हमने मग भी अपना प्रिंट कर लिया है, तो जो क्वालिटी आपकी टी शर्ट में आई है वही क्वालिटी आपकी मग में आई है। जैसा कि ये मग है और ये L805 ये मैचिंग में है, और L130 जो है वो डार्क में है, इस मैचिंग में है। ठीक है, दोनों की जो क्वालिटी की बात करें तो L805 का जो फेस कलर आया है, जो आपका जो एक्चुअली आना चाहिए था वही आया है, और L130 में अगर हम बात करें तो थोड़ा डार्क आया है। अगर इसको हटा देंगे आप, इसको देखेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, कुछ अलग नहीं लगेगा। मगर अगर आप दोनों में क्वालिटी की बात करते हैं तो L805 इज़ बेटर देन कंपेरिजन टू L130। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। टी शर्ट में भी आप देख सकते हैं, L805 की टी शर्ट ये है और L130 की टी शर्ट प्रिंटिंग ये है, तो इसमें भी आप ईजिली देख सकते हैं। बाकी मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा, फ़ोटोज़ में आपको देख शेयर करूंगा कि क्या क्या फ़र्क होता है। बाकी प्राइस में भी फ़र्क है, अगर आपको कोई भी प्राइसिंग के बारे में पता करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। एज ए कस्टमर की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई और किसी के बारे में जानना है तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार।